नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम है, एक हॉनर का सेट है, तो मैं आपको बता दूं पहले तो ये क्या हो रहा है। सभी टेक्नीशियन ध्यान नहीं देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सेट ब्लिंक हो रहा था दोस्तों, तो सभी कई प्रॉब्लम मन में आ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है। ये जैसा देखिए आप चार्ज पर लगाया हुआ है, ये सेट ब्लिंक हो रहा है दोस्तों। तो आप ये सोचेंगे कि इस सेट में प्रॉब्लम क्या है। कई तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो ये सेट सॉफ्टवेयर के कारण हो सकता है, या तो MMC हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये हम आपको बता दें, ये सेट ब्लिंक हो रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा था, लोगों पे नहीं है, सेट रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कभी लोगों पे रह रहा है तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, वो भी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चलिए ठीक है, आप प्रॉब्लम बताइए इसमें, आप अपना नाम बताइए। सर, दीप्ति रंजन बारिक, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसका प्रॉब्लम था कि कभी कभी चार्ज लगाते हैं, कभी कभी चार्ज नहीं रहता है, ये वाला रेड लाइट कभी कभी जलता है, कभी कभी लोगों पे आके अटक जाता है, कभी कभी मतलब रिस्टार्ट हो रहा है फोन। तो क्या क्या, सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करेंगे? सपोज अगर आपको ये पता नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो सबसे पहले तो बैट मतलब आप सोचेंगे सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर मारूंगा, या तो हार्डवेयर होगा, या तो MMC से। तो चलिए, मैंने इसकी ट्रिक बना दी है। सबसे पहले मैंने उसको फाइंड कर चुका है, हम फाइंड करा चुके हैं अपने स्टूडेंट से, और आपको दिखाते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सब चीज़ें ये कोई भी टेक्नीशियन ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इसकी फाइंड है, इसकी प्रॉब्लम थी दोस्तों, मैंने इसकी फाइंड कर रखा था, फिर अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिकल करवाया मैंने। चलिए ठीक है, दिखाइए फिर क्या क्या किया आपने। देखिए सर, अभी भी चार्ज लग रहा है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रही है। तो ठीक है, अब इसमें कहाँ से फॉल्ट है? देखिए, हमने इस सेट को खोल रखा है, इस सेट में कहीं से फॉल्ट नहीं, इस सेट में बैटरी से फॉल्ट थी दोस्तों। बैटरी को निकालिए, ये अमूमन कोई टेक्नीशियन नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं सर, ये चेक नहीं करते हैं। हम भी यही सोच रहे थे, ये टेक्नीशियन ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं करते सर, हम भी नहीं करेंगे। आप भी नहीं करते थे, बट अब एक नई ट्रिक आपको पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने ठीक, हमने सब फाइंड कर रखा था, सब स्टूडेंट को मैंने बता रखा था। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेंट है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ये एक रजिस्टर टाइप का एक कॉम्प्लेंट है, क्वायर टाइप का एक कॉम्प्लेंट है। तो इस कॉम्प्लेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों, हम इसको जंपर करेंगे और देखते हैं प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। लाइव करेंगे ये, करिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम जल्दी तर नहीं कोई फाइंड करता है। तो हमें रिस्टार्टिंग का सबसे ज्यादा तो आप सॉफ्टवेयर ही समझते हैं। ये देखिए, इस कॉम्प्लेंट को हमने निकाल दिया है, अब इसको क्या करना है बताइए सर। इसको अभी जंपर करना है हमें, इसको हम जंपर करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल में दोस्तों कोई भी फेक वीडियो नहीं बनती है, हम ज़्यादातर स्टूडेंट से ही आउटपुट देते हैं। अगर हम करते, अगर कोई फेक वीडियो बनाते तो अलग बात थी। ये हमारे स्टूडेंट, 2 दिन की क्लास हुई ना आपकी? हाँ, 2 दिन हुआ, आज मिला के 3 दिन क्लास हुआ हमें। देखिए शॉर्ट हो गया क्या, उठाइए उसको, नहीं हुए दिखा, दिखा। फैन चल रहा हो गया, उठा के दिखाइए एक बार सर, कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं शॉर्ट वाइज। हाँ, नहीं पहले तो जंपर दिखा दीजिए हमें सर। देखिए सर, फिर हमें श्योर होने के लिए क्या करना होगा सर? कंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी रहेंगे, मतलब उस दूसरे टिप्स पे क्या नहीं चाहिए, बीप आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी एक बीप ही होता है। आ रही है? नहीं आ रही, फिर से उसको अच्छे से शॉर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए ये सोल्यूशन किसी को जल्दी ये नहीं करते हैं। टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो तो हार्डवेयर पे चले जाते हैं, या तो क्या कर जाते हैं सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं, MMC भी निकाल या तो MMC भी करते हैं। पर ये फोन कहाँ से प्रॉब्लम था? बैटरी से, एक बैटरी से प्रॉब्लम था दोस्तों। ये बैटरी आप दूसरी चेंज भी करते तो ऑन हो जाता, समझ में आ रहा है? इस बैटरी को आप दूसरी भी डालते तो सेट क्या हो जाता, ऑन हो जाता, बट हम बैटरी को ही बना दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये दोस्तों काफी अच्छा वीडियो हो सकता है, अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या सीख मिली यहाँ पे? सर, इससे हमें बैटरी को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। बट ये आपको पहले दिमाग में आता क्या? कहीं पे भी सर, कोई इंस्टीट्यूट में बैटरी रिपेयरिंग नहीं सिखाते हैं, हम इधर बैटरी रिपेयरिंग सीख गए हैं सर। अभी कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, किसी भी टेक्नीशियन इसको दिखेंगे तो बोलेंगे सर डेड है, EMMC काम करेंगे, EMMC नहीं होगा तो बोलेंगे सर डेड हो गया, रिटर्न हो गया। पर इसका
बैटरी का खराब था, ये भी सिंपल है, बैटरी में होता है सर। तो ये मैंने ट्रिक बताई आपको, अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, पहले हमें कहीं नहीं सीखे थे ये वाला ट्रिक सर। उसको कंडिटी चेक की थी उसकी? नहीं यार, कंडिटी चेक कर लो एक बार फिर से, क्योंकि हम देखिए कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, जो भी वीडियो रहता है ये हमारे स्टूडेंट ही आउटपुट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखिए सर कंटिन्यूटी भी आ गया सर, बीप आपको सुनाई देती होगी, ठीक है। अब इसको लगाइए, कोई भी इसकी वीडियो नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों, जो भी है आपके सामने लाइव है, देखते हैं ये काम करता है कि क्योंकि हम बैच से बैच देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट को, और ये मिरेकल लगा कि ये मैं बता दूं, क्योंकि बैटरी का सेक्शन है आज आपका। हाँ जी सर, आज आपकी कौन सा सेक्शन है? बैटरी का सेक्शन। आज आपको एक बैटरी का सेक्शन है, तो आप उसे बता सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जैसा वीडियो आपको दिखाया था, तो ये जो प्रॉब्लम था दोस्तों, तो आपको देख ही रहे, हमने आपको वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है सब कुछ, जो एक कॉम्प्लेंट्स आपको दिखाया था हमने, वो कॉम्प्लेंट्स दिखा दीजिए कहाँ पे, वो कॉम्प्लेंट्स कहाँ पे था? कॉम्प्लेंट्स ये कॉम्प्लेंट्स, तो मैंने दोस्तों इस कॉम्प्लेंट्स को क्या किया, बैटरी से चेंज किया है, मगर एक सोल्यूशन इसका और है कि आप इसको नॉर्मल दूसरी बैटरी भी चेंज कर देंगे दोस्तों, तो ये काम कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। तो दोस्तों कोई भी टेक्नीशियन ये ध्यान नहीं देता है, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर पर चले जाते हैं, या तो ज़्यादातर वो MNC पर चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये एक बैटरी से भी फॉल्ट हो सकता है, तो ये रीस्टार्ट हो रहा था दोस्तों, कोई मसला नहीं है। Practice karta hai mere ko